अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअली एआई को यूज करके अपने थंबनेल्स आर्ट्स को जनरेट करते थे थ्रू मिड जर्नी। अब मिड जर्नी पेड हो गया है, फ्री नहीं रहा, तो बेस्ट अल्टरनेटिव मैं लेके आया हूँ जो कि आपको एचडी क्वालिटी रिजल्ट्स देगा। थंबनेल एचडी क्वालिटी में मिलेंगे, एआई जनरेटेड। आप उसको जस्ट टाइटल देंगे, वो आपको एआई जनरेटेड थंबनेल बना के देगा। अभी के लिए वो फ्री है, बात का पता नहीं। तो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर द बेस्ट टाइम अभी यही है, आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेता कि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सके। तो जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं कि कैसे आप अकाउंट बना सकते हैं और कैसे कोई भी थंबनेल। सबसे पहले गूगल पे जाकर लॉग इन लिख लेना है, linaldo.ai लॉग इन। वहां पर आपने फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, उसके बाद ये आपको मूव करेगा रिनाल्डो की वेबसाइट के ऊपर। लियोनाल्डो है, ठीक है, एक तो होता है रिनाल्डो है, लियोनाल्डो। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पे साइनअप पे क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कहेगा कि जीमेल और पासवर्ड वगैरह डालें। तो मैं यहाँ पे अपनी जो जीमेल है मैं वो ऐड कर लेता हूँ, यहाँ पे जो मेरा पासवर्ड है उसको मैं ऐड कर लेता हूँ। पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, जो क्राइटेरिया उसने दिया वो क्राइटेरिया आपने फुलफिल करना है। सिंपली साइनअप पर क्लिक करेंगे। साइनअप पर जब आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर वो आपको देगा एक नया ऑप्शन, जहाँ से आप डायरेक्ट मूव करेंगे अपनी वेरीफिकेशन कोड के ऊपर। आपने यहाँ से वेरीफिकेशन कोड जो जीमेल आपको दी है उस जीमेल से जाके इसको वेरीफाई कराना है। उस जीमेल के ऊपर मैं लॉगिन कर लिया, ये कोड मैं यहाँ सिंपल पेस्ट करके क्रिएट अकाउंट कर दूंगा। कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद अब ये मुझे दोबारा अपडेट के लिए कहेगा। मैंने यहाँ पे सिंपली पासवर्ड को अपडेट कर लिया। यहाँ पे आपने क्या करना है, यूज़र नेम एक चूज़ करना है, कोई भी आप यूज़र नेम टाइप कर सकते हैं जो कि अवेलेबल हो। जिशान कर ले, मैंने यहाँ पे जिशान को यूज़ किया है क्योंकि ये अवेलेबल था। वो यूज़ करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने 5 आर्ट के रिलेटेड टाइटल चूज़ कर लें जिस पर आपने आर्ट बनाना है। सिंपली उस पर क्लिक करें, उसके बाद नीचे कन्फर्म करें कि आप 18+ हैं। मैंने उसको सिंपली कंफर्म कर दिया और नीचे आ जाऊँ। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अभी क्योंकि मेरे ख्याल से मैंने ऊपर कोई गलती की है तो मैं वापस ऊपर जाता हूँ और यहाँ से यूज़र नेम में मैंने पासवर्ड चेंज कर दिया, ठीक है। यूज़र नेम मैंने चेंज कर दिया, नीचे आएंगे आप सिंपली इसको आप क्या करेंगे कन्फर्म करेंगे। उसके बाद ये देख सकते हैं आप मुख्तलिफ आर्ट पढ़ें और इनकी आप पिक्चर क्वालिटी चेक करें, ये एआई जनरेटेड है। यहाँ पे आप इसको क्या करते हैं, आपको यहाँ देखने को मिलता है पॉजिटिव प्रॉम्प्ट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट में मतलब आप बताते हैं एआई मशीन को कि आपको क्या चीज़ चाहिए। अब यहाँ पे सारी डिटेल इंटर है, फिर नेगेटिव प्रॉम्प्ट मतलब आप क्या चाहते हैं कि पिक्चर में क्या नहीं होना चाहिए, ये वो चीज़ें हैं। नीचे आ जाएंगे तो आपको चीज़ें मिलेंगी, पिक्चर रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए, कितनी इमेजेस होनी चाहिए, कितने मेगापिक्सल की होनी चाहिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ होती हैं। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपना आर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या करना होगा आपको, सिंपली यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा सा और यहाँ से आपको एक चीज़ ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये है AI आर्ट जनरेटर। इधर नीचे आएंगे, ये रहा, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से ये आपको कहेगा कि आप अपना प्रॉम्प्ट इंटर करें। प्रॉम्प्ट मतलब जो आप चाहते हैं, जिस तरह की आपकी तस्वीर हो। मैं तो ज़रा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको पूरी स्क्रीन नजर आए। उसके बाद आपने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, अपना प्रॉम्प्ट के अंदर इंटर करना है जो चीज़ आप चाहते हैं। यहाँ से मैं यहाँ पर कोई भी एक सिंपल टेक्स्ट ऐड कर लेता हूँ तो ये मुझे 4 सैम्पल जनरेट करके देगा। यहाँ पर मैं सपोज कह देता हूँ कि मुझे एक बंदा दिखाओ जो कि वो बोर्ड को फेस करता हुआ हैरान हो रहा हो। तो यहाँ उससे पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो जो चीज़ आप अपनी इमेज के अंदर चाहते हैं वो आपने इस प्रॉम्प्ट के अंदर लिखा हो, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी हैं, मैं यहाँ कोएक्शन थोड़ी सी कर लूँ, कोएक्शन कर ली। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ आपको साइट जनरेट का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आगे अपने सिंपली क्लिक करना है और ये जनरेट का काम शुरू कर देगा यहाँ पर। अब मैंने यहाँ पर सारी चीज़ें क्लिक कर ली, अब मैं करूँगा सिंपली जनरेट। जनरेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने किसी चीज़ की सेटिंग नहीं करनी, सिंपली जनरेट पे आए तो ये 4 सैंपल मुझे जनरेट का ये दे रहा है। जनरेट लिटरली ये मिड जर्नी से जो है इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम थी और हाई रेजोल्यूशन क्वालिटी है इसकी और मैं प्रेफर इसी को ही करूँ। अब यहाँ पर आप देखें लिटरली ये AI जनरेटेड इमेजेज़ हैं, नो वन विल बिलीव दैट। सो आप किसी भी इमेज को उठाएं और सिंपली यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना रियलिस्टिक ये चीज़ें नजर आई हैं। उसके बाद आपको डाउनलोड के लिए कोई कम्प्लेक्सिटी की जरूरत नहीं है, बिल्कुल साइड पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल रहा है, आप क्लिक करेंगे तो आपकी इमेज हो जाएगी सीधी की सीधी डाउनलोड। आप यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी देखें, रेजोल्यूशन देखें और आप ये देखेंगे ये AI जनरेटेड है और आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, कॉपीराइट फ्री है। आप ईजिली कहीं से भी इसको इंस्टॉल करने के लिए तो कोई मसला नहीं, आप सिंपली क्या करेंगे इमेज के ऊपर आएंगे, यहाँ से आप डिफरेंट क्राइटेरियाज इमेजेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। जो चीज़ आप चाहते हैं अपनी इमेजेस के अंदर वो चीज़ आप सारी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फॉरवर्ड आप क्या करना है, किसी भी
टैक्स को अगर आपने चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करोगे, इसको काटोगे और उसके बाद एक नया टैक्स आप ऐड कर सकते हो। तो मैं वक्त ही क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप किसी भी एक नए टैक्स को भी ऐड कर सकते हो, उसके बाद एक नई इमेज भी जनरेट कर सकते हो। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, ये सेम एज इट इज इसी तरह होगा, लेकिन पहले मैं आपको डाउनलोडिंग का तरीका बता दूँ। सिंपली आपने क्या करना है, इस इमेज को उठा लेना, डाउनलोड के ऑप्शन पर आना है और ये मेरी इमेज डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं अब क्या करूँगा, एक नया टैक्स ऐड करूँगा ताकि आपके लिए एक नई सैंपल जनरेट हो। एक सैंपल मैंने आपको ऑलरेडी जनरेट करके दिखा दिया, एक और सैंपल मैं अब आपको जनरेट करके दिखाऊंगा जो कि एक लड़की का होने लगा है और ये एआई जनरेटेड लड़की होगी, ठीक है। लेट्स सी कि एआई कैसे जनरेट करता है किसी भी एक आर्ट को, किसी भी एक इमेज को, ठीक है। मैंने उसको दे दिया ब्यूटीफुल गर्ल विद अ लॉन्ग हेयर, इस तरह का मैंने उसको टाइटल दे दिया और आप उसको देखेंगे कि ये किस तरह खुद आर्टिफिशियली जनरेट करके देगा हमें, ठीक है। अब आपने सिंपली क्या करना है, वंस आपने सारा टेक्स्ट ऐड कर लिया उसके बाद आपने सिंपली जनरेट का ऑप्शन हमेशा की तरह आपने जनरेट का ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ये चार सैंपल देगा। आप यहाँ पे अगर स्पीड देखेंगे तो ये मिनी सेकंड्स के अंदर की गेम है और ये इतना फास्ट काम करने वाली मशीन है और लिटरली फ्यूचर सिर्फ एआई का है। यहाँ पे आप देखें जो इसने रियलिस्टिक इमेजेस ऐड किए हैं, आई कांट बिलीव कि हम अगर कैमरे से भी ऐसी चीज़ें लें तो हमारे सामने आएंगी। मैं इस इमेजेस को अगर ऐसे सैंपल उठाना शुरू करूँ तो लिटरली It's insane। ठीक है, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, इस तरह की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और दिन किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।